हाय गाइस मैं हूं मेघा एंड वेलकम टू माय चैनल पोकी मेक जिंदी जहां हम बात करते हैं ऑल अबाउट फैशन ब्यूटी लाइफस्टाइल एंड मॉमी टॉक्स सो गाइज विंटर इज हेयर सर्दी का मौसम आ गया एटलीस्ट डेली में तो बहुत ठंड हो गई है अभी अभी तो और होनी है इन दिसंबर सो आई गॉट सम विंटर एसेंशियल्स ऑनलाइन ऑफलाइन एंड दिस इज ऑल अबाउट द विंटर हॉल सो इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़े फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर ऑल फैशन रील्स पोस्ट एंड मेरी पर्सनल अपडेट्स मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मेक्स टू फॉलो मी देर एंड ऑल्सो वाइज आई होप यू आर एंजॉइंग माई डांसिंग यू नो वाई टी शॉर्ट्स वगैरह नहीं चेकिंग

सो लेट मी स्टार्ट विद टू टर्टल नेक टॉप्स जो एकदम विंटर एसेंशल्स होते हैं तो वो मैंने एक ब्लैक में लिए एक ऑफ वाइट कलर में लिए हैं एंड बोथ ऑफ दीज आर फ्रॉम मिंत्रा तो मिंत्रा पे एक ब्रांड था आई थिंक नाइन्टी डिग्री नॉर्थ ऐसा कुछ ब्रांड था uh, तो इसे मैंने लिया है मुझे बहुत ही रिजनेबल सेल पे मिल गया मतलब नाइनटी uh, ये था कुछ नाइनटीन uh, हंड्रेड का और मुझे एट हंड्रेड एट्टी का पड़ गया तो मुझे रेट सही लगा क्योंकि लोकल शॉप uh, शॉप्स shop, में भी इतना ही मिलता है सो दिस इज अ टोटल नेक टॉप ये मैंने ऑफ माइट ऑफ वाइट में लिया है एंड मैंने सेम टू सेम एक ये ब्लैक में लिया है दीज आर वेरी वर्सिटाइल एंड ग्रेट फॉर लेयरिंग इन विंटर्स तो जब कम ठंड हो तो आप खाली इनको पहन सकते हैं बॉटम सब्जार ठंड हो इसके ऊपर एक जैकेट ले लीजिए और ज्यादा ठंड हो तो इसके अंदर इन इनर और फिर एक बुलन uh, कोट ले लीजिए तो दीज आर ग्रेट फॉर लेयरिंग बहुत ज्यादा स्वेटर मटीरियल नहीं है लेकिन एक कॉटन मटीरियल भी नहीं है सो दिस इज द मिड मटीरियल विच आई लाइक क्योंकि अगर एकदम स्वेटर मटीरियल हो तो आप हल्की

कोई यू नो व्हाइट कोट हो तो उसके साथ ही अच्छा लगता है सो uh, so मैंने ये दो लिए एंड uh, मैं बता रही बताया आपको कृष्णा नगर मार्केट से बहुत साल पहले मैंने 500 का लिया था ये तो अब तो वहाँ भी डेफिनेटली ये 700 800 का हो गया होगा सो so, अगर आपने भी लोकल स्टोर से लिया है मार्केट से तो लेट मी नो प्राइस क्या है बट क्वालिटी के हिसाब से मुझे इसका प्राइस अच्छा लगा uh, जितने मैंने ऑनलाइन लिए ना आई ट्राई टू लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर वो स्टॉक uh, में हुए तो बट मैंने रिसेंटली ही लिया है लाइक अभी ब्लैक फ्राइडे सेल था काफ़ी जगह ऑफ था तो इसीलिए मिंत्रा पर टाइम टू टाइम सेल चलती रहती है दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो

क्या होता है अगर विंटर वेडिंग्स आप अटेंड करें तो लहंगा हो या साड़ी हो तो उसके अंदर नॉर्मल जो थर्मल्स होते हैं वो मुझे पता नहीं इतने नहीं लगते आ, कि वो मुझे बहुत सारा ठंड लगती है तो मैं तो मरी जाती हूँ ठंड में तो मेरे लिए ये फर वाले जो है आ, लेगिंग्स एंड दिज आर फ्रॉम अ लोकल स्टोर मुझे थाउजेंड में मिल गए एंड यही सेम आ, जो क्वालिटी है ये ऑनलाइन भी एट हंड्रेड की मिल रही है सेवन हंड्रेड भी मैंने मीशो से मंगवाया था पर मुझे थोड़ा सा वो लाइट लगा इतना ठंड लगा दिस क्वालिटी इज ऑल्सो फाइन बहुत ज्यादा गर्म नहीं है बट बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है इज मिड क्वालिटी तो मुझे क्वालिटी ठीक लगी ऑल्सो एमेजॉन पे भी अवेलेबल है और भी ब्रांड्स के तो ट्राई टू तो लीव द लिंक जिसका मुझे मिला है बट दिस इज फ्रॉम लोकल स्टोर कोई ब्रांड नेम कुछ नहीं है इसमें तो जैसे लोकल स्टोर होते हैं आप उसमें ले सकते हैं दिस इज ग्रेट अगेन बता रही हूं साड़ी के अंदर लहंगे के अंदर पहनने के लिए अगर आप विंटर वेडिंग अटेंड कर रहे हैं ऑल्सो uh, जो है दिस इज ग्रेट टू वेयर अंडर ड्रेसेज बट ड्रेसेस के अंदर थोड़ा सा मोटा लगता है तो उसके ऊपर आप शेयर स्टॉकिस पैर लीजिए तब वो लुक जो है बहुत अच्छा आएगा विंटर स्टाइलिक वीडियो आर कमिंग अप नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे स्टाइल कर रही हूँ डिफरेंट डिफरेंट यू नो कोट्स एंड विंटर लुक्स मैं क्रिएट uh, करूंगी जैसे कि मैं पहले स्टाइलिंग वीडियोस किया करती थी सो डू वॉच आउट फॉर दैट बस इसके बाद आएगा एक स्टाइलिंग वीडियो एंड उसके बाद और भी विंटर स्टाइलिंग वीडियोज आएंगे सो दिस इज़ डेफिनेटली अ विंटर एजेंशियल जो फल लेगिंग्स या स्टॉकिंगस होते हैं ग्रेट तो उसमें क्या होता है फैशन भी हम मार लेते हैं <laughs> क्योंकि फैशनेबल दिखना भी जरूरी है तो हम फैशन भी मारते हैं लेकिन ठंड में मरते नहीं है मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैं ठंड में ना मरूँ क्योंकि मुझे एक्सट्रीम ठंड लगती है एंड आई एम एक्सट्रीम जेलज ऑफ दोज पीपल जो आराम से घूमते रहते हैं विदाउट स्वेटर्स एंड एवरीथिंग इन वेडिंग्स मुझे लगता है पता नहीं वो क्या खाते हैं इनमें इतनी गर्मी होती है मुझे नहीं है मैं तो बहुत ज़्यादा ठंड से मरती हूँ सो मेरे लिए ये एकदम एजेंशियल है और उसके बाद मुझे ठंड ही लगती So I am fashionable as well as comfortable comfortable is very important <laughs> नेक्स्ट प्राइस मैंने लिया है ये ब्यूटिफुल पिंक टेक्सचर्ड ब्लेजर ये मैंने मिंत्रा से लिया फ्रॉम दिस ब्रांड मैंगो ना मैंगो अगर आप मैंगो की वेबसाइट से लें तो वो फुल uh, प्राइस पे मिलते हैं प्लस उनका जो रिटर्न एक्सचेंज है वो अच्छा नहीं है वेबसाइट का एंड ऑल्सो uh, बहुत दिन में आते हैं तो ये सब के कारण मैं मैंगो सिर्फ जो है मिंत्रा से लेती हूँ और मिंत्रा पे बहुत अच्छी डील्स मिलती हैं सो आई गॉट दिस ब्लेजर मुझे बहुत अच्छा लगा दिस इज अ वेरी स्मार्ट ब्लेजर इसको ब्लू uh, डेनिम्स के साथ मैं पहन सकती हूँ उसके मैम यू नो बेज निटेड ड्रेस ड्रेस के साथ भी पहन सकती हूँ सो दिस इज कैन बी स्टाइल इन नंबर ऑफ वेज इससे कलर मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब मेरे पास ना विंटर में पहले सारे ब्लैक और ग्रे कपड़े ही हुआ करते थे लेकिन अब मैं अपने वॉर्डरूम में बेज न्यू टोन्स एंड पेस्टल्स ऐड कर रही हूँ इज अ ग्रेट एडिशन मुझे बहुत स्मार्ट लगा सो आई रियली लाइक दिस और मैं अभी ये ऑन हॉल नहीं दिखा रही हूँ ऑन करके नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज ये आगे के स्टाइलिंग विडियोज में आपको सारे कपड़े में स्टाइल करके दिखाऊंगी बिकॉज मेरे मन में है कि मैं इनको कैसे स्टाइल करूंगी और सिर्फ एक वे में नहीं मैंने वो पीसेज लिये हैं जो मैं मल्टीपल टाइम्स गजीलियन टाइम्स मैं इनको रिपीट कर लूँ जब तक ये फट ना जाए बिकॉज येस आई लव टू बाई क्लोज डो मै बार बार रिपीट कर सकूं, डिफरेंट लुक्स क्रिएट कर डिफरेंट आउटफिट्स के साथ लू मिक्स एंड मैच सो एटलीस्ट मुझे वो पैसा वसूल तब लगता है कपड़ा जो मैं बहुत बार पहन पाऊं। नेक्स्ट गाइस मैंने लिए है ये ट्वीड ड्रेस फ्रॉम मैंगो लव 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 दिस ड्रेस बहुत अच्छी लगी ये थिक ड्रेस है एंड एकदम स्ट्रेट है और इसमें जो है इस तरह के पर्ल बटनज है वेरी वेरी एलिगेंट आई लवड इट किसी भी आप विंटर यू नो इवनिंग में जा रहे हैं या फिर जो क्रिएटर्स इवेंट्स होते हैं उसमें भी मैं ये पहन के जा सकती हूँ उसके अंदर मैं बेज जैसे मैंने वो टर्टल नेक टॉप लिया था वो पहन सकती हूँ विद यू नो स्किल्स टॉकिन एंड बूट्स दिस व लुक रियली प्रटी और उसको हल्की ठंड में भी मैं पहन सकती हूँ विद नॉर्मल कॉटन वाइट्स की एंड अगेन बूट्स वाइट बूट्स न्यूड बूट्स जो न्यूड शेड uh, वाले हैं ब्लैक के के साथ good, के साथ दिस नॉट लुक गुड क्योंकि ब्लू एंड इसकी बट मुझे ऐसा लगता है ट्वीड, uh, ये वाले कपड़े मुझे बहुत ही क्लासी लगते हैं है, है. so love, love, मिंत्रा से लिया गाइज एंड एंड लास्ट आई गॉट फ्रॉम मिंत्रा दीज भी मैंगो से है एंड दीज आर न्यूट्रल शेड थोड़े से यू नो मटमैला वाला जो क्रीम कलर होता है वो है ये एंड आई लव मुझे एक चाहिए था मेरे पास ब्लैक बूट्स हैं जो 90% ऑफ द लुक्स में जाते हैं विंटर लुक्स में लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया मैं अपने वाड्रोप में न्यूड एंड कलर्स एड करी तो उसके लिए मुझे न्यूड शूज चाहिए थे बूट्स चाहिए थे आई गॉट दिस फ्रॉम मैंगो मैंगो के जो बूट्स हैं uh, जो है दे आर इन द सेम रेंज एज एच एन एम एंड जारा लेकिन ये मुझे सेल पर मिले थे कुछ ट्वेंटी थर्टी परसेंट ऑफ पे तो मैंने ले ये ले लिए एंड ये चेन वाले हैं सिंपल हील्स हैं इसकी इतनी बट मैं झूठ नहीं बोलूंगी ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि यहां हील नहीं है जिसके यहां पे हील होती है वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं बट एनी मैंने थोड़ा सा ऐसे वाले लुक्स के लिए लिया जो थोड़ा स्टाइल मारने के लिए जहां मुझे चलना ना पड़े जैसे क्रिएटर इवेंट्स होते हैं या कोई इवनिंग uh, मैं डिनर पर जा रही हूं तो मैं उसके लिए पहन सकती हूँ बहुत ज्यादा वॉक मेन में नहीं कर सकती आर नॉट ऑफिस बूट्स या जो होते हैं ना नॉर्मल वीकेंड पर निकल जाते हैं घूमने मार्केट्स में तो वो वाले बूट्स नहीं है डेफिनेटली बिकॉज एटलीस्ट मैं जो इतनी हील्स में कंफर्टेबल नहीं होती मैं फ्लैट बूट्स में ज्यादा कंफर्टेबल

Uh, एक ही साल में उनका लेदर बता तो निकल लेगा है आई एम लुकिंग फॉर मोर ब्रांड्स जिसके बूट्स ट्राई करूँ जिनका लेदर क्योंकि एक साल तो वो अंदर ही रहते हैं विंटर के बाद और फिर जब हम निकालते हैं तो वो ठीक रहने चाहिए ना <laughs> तो वो ठीक नहीं रहे तो फायदा नहीं है सो फ्यू पीपल हैव सजेस्टेड मी सम ब्रांड्स लाइक चार्ल्स एंड कीथ एंड निकोल करके और भी कुछ ब्रांड्स हैं तो आई विल ट्राई दो ब्रांड जिनका लेदर लंबा चले बिकॉज ऐसा क्या है कि इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो चार पांच साल भी ना चले तो क्या फायदा है कि साल में खराब हो जाए तो लेट्स

दिस इज़ a नाइस ए लाइन स्कर्ट और ये जो है थोड़ा सा गर्मी वाला निटन सर्दी वाला निटड फैब्रिक है तो इसमें थोड़ा सा अच्छा गर्माहट फील होती है लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट कि मैं इसको रखूँगी कि नहीं रखूँगी थोड़ा सा मैं डुअल माइंड में हूँ सो मे बी आई आई रिटर्न दिस लुक पूरा ठीक है पहनने में बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसकी ज़रूरत है क्या मैं इससे बहुत सारे लुक्स क्रिएट कर सकती हूँ क्या मैं उसको ज़्यादा पहनूँगी क्या ये पैसा वसूल पीस है तो आजकल मैं ऐसा बहुत सोचती हूँ सो लेटमी सी ओर आई डू मे बी आई रिटर्न दिस पीस सो लेटमी सी मैंने ऑनलाइन दिया था जारा से एंड लास्ट पीस जो मैंने लिया है फ्रॉम जारा विच आई लव इज दिस लॉन्ग 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 ड्रेस फ्रॉम जारा सो ये एक लॉन्ग ब्लैक ड्रेस है एकदम स्ट्रेट ड्रेस है और इसमें जो गला है वो ऐसा है बेसिकली दिस इज अ लॉन्ग स्वेटर ड्रेस वेरी वर्सिटाइल मुझे लगता है इसको मैं गजीलियन वेज में स्टाइल कर सकती हूँ विद मैं ब्लैक बूट्स विद मैं व्हाइट बूट्स इसके अंदर मैं टर्टल नेक और स्वेटर पहन सकती हूँ अलग अलग कलर्स के और uh, मैं बेरे हैक ले सकती हूँ तो दिस विल डेफिनेटली भी इंक्लूडेड इन माई स्टाइलिंग विडियोज ये एक ऐसा पीस है जो मुझे पता है मैं उसको बहुत रगड़ूंगी सो दैट्स वाई आई लव 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 दिस पीस ज ऑल अबाउट माई विंटर शॉपिंग हॉल लेटमी नो इन सबसे आपको सबसे अच्छा पीस कौन सा लगा मेरे तो सभी फेवरेट है क्योंकि मैंने ऑब्वियसली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हैं सो दिस ऑल अबाउट दिस वीडियो कमिंग अप नेक्स्ट आर लॉड्स एंड लॉट्स ऑफ स्टाइलिंग विडियोज इंड यू नो विंटर फैशन बेसिक्स एंड एवरी थिंग सो लेटमी नो कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ स्पेसिफिक वीडियो देखना चाहते हैं विंटर नहीं भी हो कुछ और लाइक वेडिंग रिलेटेड विंटर वेडिंग रिलेटेड या कुछ भी और रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा आई वुल रीड योर कॉमेंट्स एंड आपको अच्छा लगे तो डोट अप्राइव टू पर्की मेक् और इंटरेस्टिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल द क्विक फैशन रील्स पोस्ट एंड एवरीथिंग रील्स के लिए सो डू फॉमी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल्स मिलती हूं आपको अगले इंटरेस्टिंग